हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 38 है। इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट और प्राइस को और चेक करेंगे कि जिसने अभी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया है वो यूज़र लॉगिन है या विदाउट लॉगिन है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने सबसे पहले ब्राउज़र पर आते हैं कि हमारे को प्राइस और प्रोडक्ट कैलकुलेट कहाँ पर करने हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कार्ट में। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने ऐड किए तो भी कैलकुलेट कहाँ पे दिखा रहा है, ये होम स्क्रीन पे दिखा रहा है कि दो आइटम है और इसका जो टोटल अमाउंट है वो 215 रुपये है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी यही करना है कि जब हम किसी पे क्लिक करें तो हमारे इस टॉप बार का सेक्शन है इसके अंदर प्रोडक्ट और प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने एडिटर के अंदर। इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। अब सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे व्यूज़ में, व्यूज़ के अंदर होम में। अब होम के अंदर हम चलते हैं जेएस फाइल में। ठीक है, जेएस फाइल के अंदर हमें कहाँ जाना है, ऐड टू कार्ट जब सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे को वहाँ से कंट्रोलर से रिटर्न 1 आता है तब हमें दोबारा एक एजेक्स की रिक्वेस्ट भेजनी है। इसमें हम लिखते हैं कैलकुलेट कार्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन हमें कहाँ बनाना है, यहीं पे बना लेते हैं, कैलकुलेट कार्ट्स प्रोडक्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे के बाद हमें क्या करना है, वही सिंपल हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, फंक्शन को क्या नाम दिया है कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट। और अब हमें क्या करना है, एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करवानी है। ठीक है, गेट मेथड वाली, तो इस रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेते हैं। अभी हमने जो भी रिक्वेस्ट सेंड की है कॉपी किया, उसे सेव करते हैं। ठीक है, टाइप एजेक्स रहेगा, मेथड इसका गेट रहेगा और बेस यूआरएल इसका क्या रहेगा ये तो हम हटा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा बेस यूआरएल है वो रहेगा होम के अंदर कैलकुलेट कार्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारा वो फंक्शन का नेम रहेगा। ठीक है, कॉपी करते हैं इसे और हमारा प्रीलोडर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो प्री लोडर हम इसमें नहीं दिखाएंगे, प्री लोडर को हम हाइड करते हैं क्योंकि हमें मॉडल नहीं दिखाना, इसको अभी हाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्री लोडर भी बंद रहेगा और ये वाली जो कंडीशन है सक्सेस वाली, ये बाद में लिखेंगे। पहले हम चलते हैं हमारे इस फंक्शन के ऊपर होम में, होम कंट्रोलर, होम के अंदर हम जाते हैं, अपडेट क्वान्टिटी के नीचे आते हैं यहाँ, पब्लिक फंक्शन। ठीक है, कैलकुलेट कार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक आर्गुमेंट बनाएंगे हम यहाँ पे, आर्गुमेंट क्या कंडीशन देंगे कि जहाँ पे सेशन आईडी, जो भी यूज़र की सेशन आईडी है, डॉलर दिस सेशन यूज़र डाटा सेशन आईडी। ठीक है, जहाँ पे भी जिसकी सेशन आईडी ये वाली हो कि जो सेट है वो प्रोडक्ट तो दिखा दे हमें। ठीक है, तो डॉलर दिस रोड मॉडल फैच रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमें पास करना है एक तो टेबल नेम, तो एम एस कार्ड्स, और इसके अंदर जो ये हमारा आर्गुमेंट है वो पास करना है। ठीक है, और इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं जैसे कि प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट्स में क्या क्या दिखाना है कि प्रोडक्ट आ गए ये हमारा टोटल, और इसके अंदर सबसे पहले हमें चेक क्या देना है, इफ के अंदर हम काउंट करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, एल्स अगर टेबल में कोई प्रोडक्ट ऐड किया है यूज़र ने तो फिर क्या होगा,
फॉर ईच लूप चलाते हैं इसके अंदर हम, ठीक है, प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमें एक वेरिएबल लेना है कैलकुलेट अमाउंट, ठीक है, इसको हम जीरो कर देते हैं। कैलकुलेट अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल लिया, कैलकुलेट अमाउंट प्लस इक्वल हो जाए प्रोडक्ट की जो रेट है इनटू प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उससे, ठीक है। तो ये दोनों पहले इनटू होगा और इसके बाद ही प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनेगा वो कैलकुलेट अमाउंट के अंदर जुड़ता जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये हो गया। अब एल्स के अंदर हमें क्या देना है कि अगर मान लो प्रोडक्ट नहीं है, कैलकुलेट अमाउंट रहेगा हमारा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, डाटा के नाम से एक एरे बना देते हैं और इस एरे में हम लिखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, प्रोडक्ट को काउंट करेंगे, ठीक है। जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो इसमें काउंट हो जाएगा, जीरो आएगा तो जीरो आ जाएगा, अगर जीरो से ज़्यादा होगा तो वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टोटल अमाउंट कि जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट कितना हुआ है और इसको हमें क्या देना है, कैलकुलेट अमाउंट, ठीक है। और जो हमारे पास ये डाटा है इसको हम इको कर देते हैं, जेसन एनकोड कर देते हैं क्योंकि जेसन में चाहिए इसका रिजल्ट, एनकोड कर दिया इसे, ठीक है। अभी हमें जेसन फॉर्मेट में मिल जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे हेडर के अंदर जहाँ पे शॉपिंग कार्ट लिखा हुआ है, हेडर में जाएंगे, हेडर के अंदर हमारा जो शॉपिंग कार्ट है इसके अंदर सबसे पहले एक स्पैन टैग लगाते हैं, स्पैन आईडी टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्पैन क्लोज। इसके बाद एक और हम बनाएंगे स्पैन आईडी टोटल अमाउंट्स, ठीक है, टोटल अमाउंट। तो इन दोनों के अंदर हमारे को ये वैल्यू शो करवानी है, ठीक है। तो एक बार हम इसको कर देते हैं अलर्ट, चेक करते हैं क्या आ रहा है इस डाटा के अंदर, डाटा डॉट टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, ठीक है। एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं, अनडिफाइन आ रहा है, ओके किया, इसको हटा देते हैं और हम इंस्पेक्ट खोलते हैं इसका। इंस्पेक्ट के अंदर हमारे पास आ रहा है, ये तो हमारी इमेज का एरर है, ठीक है। एक बार फिर हम इसमें लेकर देखते हैं कि हमारे को नेटवर्क में क्या एरर मिल रही है, क्लिक किया, ठीक है, कैलकुलेट प्रोडक्ट अमाउंट, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ओके करते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट आ रहा है और टोटल प्रोडक्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे को मिल रहा है, डाटा तो हमारे को वहाँ से मिल रहा है, लेकिन इस डाटा को शो करवाना है तो इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, जेसन डाटा, जेसन डॉट, ठीक है, और इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है, जेसन डॉट पास, और डाटा हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, अलर्ट चलाते हैं दोबारा, एक अलर्ट में डालते हैं जेसन डाटा डॉट, क्या नाम से आ रहा है, टोटल अमाउंट, ठीक है। एक अलर्ट हम चला देते हैं टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वहाँ से कंट्रोलर से। जैसे कि हम ले लेते हैं इस बार ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, मैकबुक का, ठीक है, क्लिक किया, ये हमारे पास सबसे पहले क्या आया, टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है, ओके करेंगे, इसके बाद तीन प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, ओके कर देंगे।
ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने आईडी बनाई थी, किस नाम से बनाई है हमने आईडी, कि टोटल प्रोडक्ट्स, इसमें जो HTML जाएगा कौन सा जाएगा, जेसोन डाटा डॉट टोटल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और दूसरा हमारा जाएगा टोटल अमाउंट, और ये कहाँ पे शो होना चाहिए, टोटल अमाउंट वाली आईडी पर, ठीक है। अब हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, तीन प्रोडक्ट हैं, ठीक है हमारे पास, और तीन प्रोडक्ट की हमारी अलग अलग वैल्यू है। हम एक प्रोडक्ट या तो फिर इन सभी को हटा देते हैं पहले, ठीक है, और वापस से हम जाते हैं यहाँ पे, अभी हम एक प्रोडक्ट ऐड करवाएंगे, जैसे कि प्रोडक्ट हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, लैपटॉप डेल 4GB i3, क्लिक किया, एक प्रोडक्ट आ गया और प्राइस है 30,500, लेकिन यहाँ पे सभी पे 150 शो हो रहा है, तो शायद हमने होम पेज पे प्राइस को शो नहीं किया हुआ। तो इंडेक्स पे आते हैं और जो इसकी प्राइस है उसको हमने चेंज किया हुआ ही नहीं है, तो प्राइस को पहले चेंज कर लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर प्राइस, ठीक है। तो ये सभी की अलग अलग प्राइस आ रही है यहाँ पे, और इसको हम ऐड कर देते हैं नंबर फॉर्मेट में, कॉमा ऐड हो जाएगा, ठीक है, नंबर फॉर्मेट लगाते ही। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट हो गया, एक और प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, ये ऐड हो गया, प्रोडक्ट दो हो गया, और इसके बाद ये हमारे पास ये आ गया 58,500, इसमें कॉमा नहीं आ रहा, तो कंट्रोलर में ही कॉमा हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। इसको चेक कैसे करेंगे, पहले अगर जीरो होगा तो ये एरर देगा नंबर फॉर्मेट, तो हम इसको चेक करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, हम इसको चेक करेंगे जो कैलकुलेट अमाउंट है वो ग्रेटर देन, अगर जीरो है तो नंबर फॉर्मेट आ जाएगा इसके अंदर और उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एल्स जीरो आएगा ओनली, ठीक है। अब हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमने क्या किया कि जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट के अंदर ऐड है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि हम पेज को रिफ्रेश कर रखे हैं, तो नहीं, हमने वो फंक्शन नहीं लगा रखा, हमने फंक्शन लगा रखा है कि जब हम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं तब वो चेक करता है, ठीक है। तो हमें ये भी करना है कि JS में चलते हैं कि हम पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ पर प्रोडक्ट भी दिखाए, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कॉल करवा लेते हैं, कैलकुलेट कार्ट प्रोडक्ट, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, ये आ गया, और ये जब भी चलेगा, जब हम इसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब भी चलेगा ये, ठीक है। तीन प्रोडक्ट हो गए, 58,750 रुपये का टोटल अमाउंट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये प्राइस डिटेल आ रही है कार्ट वाले पेज में, उसको कैलकुलेट करवाना है। तो JS को भी बंद करते हैं, इंडेक्स को भी बंद करेंगे, हेडर को क्लोज करते हैं, होम को भी बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं व्यू कार्ट के अंदर, तो माय कार्ट के नाम से है ये वाला हमारा सेक्शन है प्राइस डिटेल, ठीक है। काउंट करेंगे इसके अंदर, किस चीज़ को काउंट करना है हमें, प्रोडक्ट को काउंट करना है, ठीक है। रिफ्रेश किया, तीन प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और इन तीन प्रोडक्ट का जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना है, तो यहाँ पे हमें पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी लूप के साथ। एफ लगाते हैं, काउंट प्रोडक्ट्स फॉर ईच प्रोडक्ट्स एज कैलकुलेट प्रोडक्ट, ठीक है,
इसके अंदर वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि टोटल अमाउंट बराबर जीरो, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या रहेगा प्लस इक्वल करते हैं कैलकुलेट प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। क्वांटिटी को रेट से इनटू करेंगे उसके बाद ये प्लस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एल्स में क्या करना है हमें, जो हमारा टोटल अमाउंट है वो हमारा जीरो रहे एंड इफ करना है, ठीक है। इससे पहले हमें एंड फॉर ईच करना है, ठीक है, क्योंकि लूप को बंद करना है। एंड फॉर ईच, एंड फॉर ईच के बाद हमारा एल्स की कंडीशन है, ठीक है। और हम यहाँ पे आके एंड इफ़ के बाद इको करेंगे जो भी हमारे को रिज़ल्ट आएगा टोटल अमाउंट का। अगर जीरो है तो जीरो इको हो जाएगा, अगर कोई अमाउंट आता है तो अमाउंट इको हो जाएगा, ठीक है। एरर दे रहा है ये 96 नंबर पे, 96 कहाँ पे है ये रहा, और क्या एरर आ रहा है हमारे पास, सिंटेक्स एरर, ठीक है। इसको ऐसा कर देते हैं हम, 96 पे अभी भी एरर है। एंड फॉर ईच, ओहो कॉलन की जगह हमने सेमी कॉलन लगा दिया इसलिए, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है क्वांटिटी TITY, ठीक है। क्वांटिटी 58,570 हो रहा है टोटल, ठीक है, यानी कि कैलकुलेट हमारा सही चल रहा है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन चेक करेंगे, अगर जीरो से बड़ा है तो नंबर फॉर्मेट में आएगा ये टोटल अमाउंट, एल्स ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये हो गया ऐड। अब इसके बाद जो टोटल अमाउंट है उसको भी यही दे देते हैं कि जो टोटल आ रहा है वो इतना आ रहा है, जो लास्ट अमाउंट है हमारा वो यही है, ठीक है। इस डॉलर साइन को हटाते हैं और इस इको को भी हटाते हैं क्योंकि इको हमने एक बार किया हुआ है, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो 58,570 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट हो गया अमाउंट, ठीक है, जिसमें से एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, क्लिक किया, ठीक है, 59,000 हो गया क्योंकि इसमें हमने दो क्वांटिटी ले ली, ठीक है। इसमें एक और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं 105,000, ठीक है। क्लिक करते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेट फाइल, इस पर क्लिक करते हैं एक बार, फाइल हो रहा है बार बार तीन के ऊपर, ठीक है। तीन के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये तीन हो गया इसका, तीन से चार पाँच छ सात इसमें चल रहा है, क्लिक किया, ये हमारे को एक एरर दे रहा है कि जब भी हम जैसे प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, ये 11 हो गया जबकि इसको 9 ही होना चाहिए था, ठीक है। अभी 3 पे प्लस करेंगे, ये भी 11 हो गया क्योंकि जो वैल्यू लेके जा रहा है वो इसी की वैल्यू लेके जा रहा है फर्स्ट वाले कॉलम की। तो हमें क्या करना है कि अलग अलग की वैल्यू अलग अलग बार लेके जाए। अगर मान ली इस पर क्लिक करें इसी प्रोडक्ट की क्वान्टिटी जानी चाहिए, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रोडक्ट की जानी चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं इसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जा रही है, तो इसी में ही वो ऐड करवा रहा है, ठीक है। ये हमें कहाँ पे चेंज करना है, ये हमें चेंज करना है माय कार्ट का प्रोडक्ट, माय कार्ट वाला पेज है उसके अंदर क्वांटिटी बना रखी है हमने, क्वांटिटी कहाँ पे है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है।
अब हम इसके अंदर पास कर देते हैं जैसे कि नेम, नेम पास करना है, अंडरस्कोर लगाएंगे क्योंकि लूप के अंदर एक कॉलम रहता है लेकिन वो जो उसकी आईडी होती है वो अलग अलग रहती है, मल्टीपल रहती है, ठीक है। तो हम इसको देते हैं कि आईडी इसकी क्या होनी चाहिए, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, जो कार्ट की आईडी है वो इसकी आईडी रहेगी। तो ये हर बार अलग अलग प्रोडक्ट की क्वांटिटी उठाएगा, ठीक है। आईडी दे दी हमने, अब इसको चेक करवाना है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करेगा और इसमें एक और आर्गुमेंट पास करते पैरामीटर पास करते हैं, वो ये रहेगा कि अभी जो क्वांटिटी है कौन से नंबर की है, इस नंबर की, कि इसके साथ हम आईडी भी दे रहे हैं। तो क्वांटिटी अंडरस्कोर एक, क्वांटिटी अंडरस्कोर दो, क्वांटिटी अंडरस्कोर तीन, लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी अंडरस्कोर तीन की वो आईडी उठाएगा, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया, कहाँ पे गया वो, ये रहा डॉलर। डॉलर के बाद हमें देना है प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। इसको हम इस वाले फंक्शन में भी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी इसमें भी पेस्ट कर देंगे साथ के साथ, ठीक है। दोनों में हमने पेस्ट किया, तो तीसरा पैरामीटर हमने इसके अंदर पास किया है आईडी का, ठीक है। अब हम इसी फंक्शन पे जाते हैं जेएस के अंदर, अपडेट क्वांटिटी पे, ठीक है। तो अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शन ये है, इसके बाद हमारे पास क्या है, आईडी है, किसकी कार्ड की टेबल है उसकी आईडी जा रही है साथ में। तो प्रोडक्ट आईडी के बाद हम पास करेंगे हमारे कार्ड की आईडी, ठीक है, कि इस आईडी के इनपुट से नहीं, इस आईडी का जो हमारा क्वांटिटी का इनपुट बना हुआ है उसकी वैल्यू लेके जाएगा ये, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू उठा रहा है वो ये किसकी उठाएगा, अंडरस्कोर इसको हम ऐसे दे देते हैं, अंडरस्कोर प्लस, ओहो ये आईडी कैसे आ गई, प्लस आईडी, ठीक है। तो ऐसे नहीं आएगा ये, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, प्लस लगाते हैं और यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, और इस तरह से तो नहीं होगा ये, किस तरह से होगा, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गया, अंडरस्कोर इसके साथ में दे देते हैं, एक कॉलम लगाते हैं, इसको हटाते हैं, प्लस लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे और फिर ये लगाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करते हैं आईडी, ठीक है, क्योंकि आईडी भी उठा रहा है। तो क्वांटिटी अंडरस्कोर जो भी आईडी पे आ रहा होगा यहाँ पे उसी आईडी की वैल्यू लेगा, ठीक है। उसको हमने यहाँ पास कर दिया, अब हमें कहाँ जाना है, अपडेट क्वांटिटी पे, ठीक है। कॉपी, होम कंट्रोलर फाइंड करते हैं, ठीक है, ये क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमें आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईडी से तो हम सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं और मेथड है हमारा गेट, तो वहाँ पे तो वो एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि वो दोबारा नहीं ले रहा, क्योंकि हमने पास कर दिया प्रोडक्ट के अंदर इसी क्वान्टिटी में, जो भी आ रहा है इस क्वान्टिटी में आ रहा है। तो हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 10 प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लिक करते हैं, एरर आ गया शायद हमारे प्रोडक्ट कोड के अंदर, सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर है हमारा, कॉमा तो सिंटैक्स एरर, लाइन नंबर किस पे आ रही है एरर, स्कोर 34, ठीक है। अभी इसमें 10 क्वांटिटी प्लस करके देखते हैं, प्लस फेल हो रहा है, ठीक है, चेक करते हैं दोबारा, अब ये फेल में क्यों जा रहा है,
छोटा किया, अब नेटवर्क में आएंगे, प्लस पे क्लिक करते हैं, फेल हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू एंकर्ड होम कंट्रोलर के अंदर लाइन नंबर 58, होम कंट्रोलर लाइन नंबर 58 में एरर है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जा क्या रहा है, ठीक है। रिफ्रेश किया, प्लस पे क्लिक करेंगे, अनडिफाइन जा रहा है, ठीक है। ये अनडिफाइन क्यों जा रहा है, क्वांटिटी के अंदर एक बार हम इसको चेक करना पड़ेगा। ये हमारे पास अनडिफाइन की जो एरर आ रही थी उसको हमने हटा दिया, कि हमने क्या किया कि जो इसके अंदर हमने वैल्यू ली थी उसको हमने एक बाहर एक वेरिएबल बनाया क्यू नेम के नाम से, तो इसको क्यू नेम कर देते हैं, ठीक है, कि क्वांटिटी का क्या नाम है। तो इस जो इनपुट का नाम है हमने क्वांटिटी अंडरस्कोर आईडी दिया है, ठीक है। तो जो जिस भी फंक्शन पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी की वैल्यू उठाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी अंडरस्कोर आईडी, तो इसका नाम जो हमने यहाँ पास कर दिया, तो अब ये हमारा एकदम सही से चल रहा है, ठीक है। इस अलर्ट को हटा देते हैं, ठीक है, सेव किया। अब हम वापस से आते हैं हमारे ब्राउज़र पे, रिफ्रेश किया। अभी इस प्रोडक्ट की दो क्वांटिटी है, ठीक है, प्लस करेंगे तीन क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, तीन हो गई। अब हम इस पे आते हैं लैपटॉप पर, 12 क्वांटिटी है ऑलरेडी, प्लस करेंगे तो इसकी क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, इसमें 13 हो जाना चाहिए, ठीक है। प्लस किया, 13 हो गया। अब इसमें हम आते हैं, फिर से प्लस करेंगे, अब इसमें 13 हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा एकदम सही चल रहा है, ठीक है, उसी की वैल्यू जा रही है जिसका प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पे शो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है, हमारा लाइव अपडेट पूरा हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि होम पेज पे तो हमारा चल रहा है, लेकिन हमारा जो कैटेगरी वाला पेज है उस पर फंक्शन नहीं लगे हुए ये वाले, ठीक है। तो जो इंडेक्स पे फंक्शन लगा रखा है वही फंक्शन हमें कॉपी करना है और हमें कैटेगरी वाले पेज पे लगाना है। तो इंडेक्स में आएंगे, फंक्शन को कॉपी करेंगे कि हमने फंक्शन किस नाम से बना रखा है। यहाँ पे सबसे पहले ऐड टू कार्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी किया और कैटेगरी में चलते हैं कि होम के अंदर व्यू कैटेगरी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये आइकन लगे हुए हैं शॉपिंग कार्ट का, पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट का क्या नाम आ रहा है, प्रोडक्ट के नाम से लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, प्रो को हम करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और जो दूसरा हमारा आई वाला आइकन है उसके लिए हमें और वापस से वो जेएस फाइल लेनी है, जेएस फाइल क्या, जेएस का ऑन क्लिक फंक्शन उठाना है, तो इसको भी कॉपी करेंगे, कॉपी व्यू प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसमें भी क्या नाम है, प्रोडक्ट के नाम से है, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं एक बार, आई पे क्लिक करते हैं, सिल्वर नेकलेस, ठीक है। ये अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि इस पर आ रहा है लिंक आ रहा है, तो लिंक नहीं आना चाहिए, पहले इनको डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है, तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। रिफ्रेश किया, अब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, डिटेल आ रही है हमारे पास। और अगर हम शॉपिंग कार्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट भी ऐड हो रहा है, चार प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कैटेगरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो इस वाले लेक्चर में हमने किया है कि एक तो प्रोडक्ट और अमाउंट को कैलकुलेट किया है, और एक जो हमारा जो एरर था कि क्वांटिटी सही नहीं जा रही थी उसको सही किया है, और जो हमारा कैटेगरी वाला पेज है उसके अंदर भी इन दोनों फंक्शन को ऐड किया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।